गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए चैप्टर। और सीक्वेंस और सीरीज सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्या होते हैं आखिर सीक्वेंसेस और क्या है मतलब सीरीज का। तो सीक्वेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक फंक्शन है, और ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट क्या है, नेचुरल नंबर। समझ गए, नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके के जो नंबर हैं जिन्हें काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं वो नेचुरल नंबर है। अगर हम केवल अपने एक्सप्रेशन में इनपुट नेचुरल नंबर दे पाए तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और अगर सीक्वेंस का सम कर दिया जाए, जो भी हमारा सीक्वेंस आ रहा है, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक कुछ आना, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो अगर सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाती है। तो आप लोगों ने कुछ नाम सुन रखे होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही बात है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे लिख दें fx = x + 1, ठीक है, तो ये तो फंक्शन है, लीनियर फंक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। तो जब ऐसे हम लोग लिखते हैं fx = x + 1, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है जहाँ पे x कोई भी r होता है। लेकिन अगर हम इसमें इनपुट क्या देना शुरू कर दें, इनपुट क्या देना है इसमें शुरू कर दें, नेचुरल नंबर, यानी कि f1 अगर लिखें हम तो 1 + 1 2 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रख दिया हम लोगों ने, अब क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2 + 1 क्या आ जाए, 3 आ जाए, 3 रख दें तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आ रहा है कि पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4th आया, 4 आया, फिर 5 आया, ये क्या है, ये सीक्वेंस है। और इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये मैथमेटिकल डिवाइस है जिसमें आप नेचुरल नंबर्स को ऑर्डर में पुट करेंगे तब आपको ये सीक्वेंस मिलता जा रहा है, क्लियर है। अब जब ये सीक्वेंस के बारे में बात हो चुकी है तो सीरीज भी समझ लेते हैं। अब यही जो हमारा सीक्वेंस आया है, जैसे ये आया 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 4 टर्म्स हम लोगों ने सीक्वेंस के लिए, अब इनको अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, इनको ऐड कर दें तो 5 + 4 = 9, 3 = 12, 2 = 14, तो ये सीरीज बोल देंगे इसको, कि सम, इस सीक्वेंस का जो सम है वो 12 आया है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं वो हैं टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, बिकॉज ये नेचुरल नंबर ऐसा नहीं कि 1 रख दिया, फिर 3 रख दिया, फिर 5 रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, ऐसे ऑर्डर में रखेंगे तभी सीक्वेंस डिफाइन होने वाला है, ठीक है। और उनको सम करना पड़ेगा, तो सम और ये क्या है, ये टर्म्स कैसे पहचानेंगे, ये अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है, nth टर्म का कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या आता है nth टर्म, इसकी मीनिंग क्या है nth टर्म की, उसको समझेंगे। तो मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन दिया y = x² + 1, लेकिन हमने बोल दिया कि ये सीक्वेंस है। तो जो nth टर्म है, जैसे कि nth टर्म है, तो आपका डोमेन क्या है, आपका डोमेन है नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। तो हम जो यहाँ लिखेंगे हम उसे क्या, कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हमने y1 लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर + 1 = 2, तो ये जो y1 है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। तो नॉर्मली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं tn, कैपिटल tn, an, ठीक है, या कैपिटल an, ये देखिए yn ही लिख दिया हम लोगों ने, 1, n मतलब यहाँ पर पहला 1 है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। या इसी को हम ऐसे लिख सकते a2, यानी सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैसे निकालेंगे आप, तो इसमें आप रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1,
तो कितना आ गया 5। अब आपसे कोई कहे कि हमें 17th टर्म चाहिए, क्या चाहिए 17, तो आप ऐसे लिखेंगे a 17। तो आप अपने फंक्शन में जाइए और यहां पे x की जगह 17 लिख दीजिए, तो 17 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया कि nth टर्म हमको ये बताएगा कि किस टर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इस समेशन की। तो समेशन के लिए सिंबल जो यूज होता है वो है सिग्मा। क्या यूज होता है? सिग्मा, ऐसा सिंबल यूज होता है सिग्मा। अब आप इसके कई नोटेशंस देखेंगे, किसी नोटेशन में कुछ ऐसे लिखा रहेगा r इज इक्वल टू 1 to 5, ऐसे। ठीक है, तो क्या मीनिंग है? और अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसकी क्या मीनिंग है? ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है समेशन r, सिग्मा इसको बोलते हैं सिग्मा, लेकिन r इज इक्वल टू 1 और ये 5 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट क्या इसका मतलब है? कि हमें ये पहला टर्म रखना होगा और ये क्या है? लास्ट टर्म। क्या है ये? लास्ट। क्लियर है बात? तो ये लोअर लिमिट होगी और ये उसका लास्ट टर्म होगा। इसका क्या मीनिंग है? अगर इसका मतलब है कि आप पहले r इज इक्वल टू 1 रखिए, फिर r इज इक्वल टू 2 रखिए, फिर r इज इक्वल टू 3 रखिए, फिर r इज इक्वल टू 4 रखिए, फिर r इज इक्वल टू 5 रखिए। इसका मतलब पहले 1 रखिए, फिर r की जगह 2 रखिए, फिर r की जगह 3 रखिए, फिर 4 रखिए, फिर 5 रखिए। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका ये मीनिंग हो गया। क्लियर है? और अगर मान लीजिए लिखा हो r इंटू आर माइनस 2 और लिखा हो r, r कहीं से कहीं तक लिखा जा सकता है, जैसे r इज इक्वल टू 7, तो अब इसका क्या मीनिंग है? अब बहुत सिंपल है, आपको 3 से चालू करना है लिखना, कहां तक लिखना है? 7 तक। तो ऐसे लिखिए 3 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2 एंड देन क्या आएगा? 7 इंटू 7 माइनस 2। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये इसका मीनिंग होता है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी पर। तो बहुत ही छोटा सा लिख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा दिया गया i इज इक्वल टू 3 टू i इज इक्वल टू 5 एंड i स्क्वायर प्लस i माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, तो ये क्यों दिया गया है क्वेश्चन, कि आप इस बात को समझिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, i की जगह क्या रखना है? 3। तो पहला 3 रखेंगे, दूसरा रखेंगे 4 और तीसरा रखेंगे 5। तो इसका मीनिंग हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब ये a1 है, ये जो r है a1, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको n इज इक्वल टू 1 ही रखना है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म i इज इक्वल टू 3 रखने से आता है, तो ये a1 हो गया। ठीक है, और a2 क्या हो जाएगा? तो आप i की जगह 4 रख दीजिए, ये फोर्थ टर्म है इस सीक्वेंस का, और ये जो बन रही है दैट इज सीरीज। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 16 प्लस 9 अपॉन 8 प्लस 25 प्लस 16 अपॉन 10। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से चीजें जब लिखी रहती हैं तो हम बोलते हैं कि ये समेशन विद लिमिट्स दिया गया है।
अब मान लीजिए समेशन विदाउट लिमिट लिखा होता है तो उसका क्या मीनिंग है, उसको भी समझते हैं। बिकॉज ये बेसिक चीजें हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक तो वहां पे सारी चीजें आएंगी, तो वी शुड अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए लिखा है समेशन ए, ठीक है, ऐसा लिखा है, और आपको चार टर्म्स ऐसे डिफाइन करके रखे कि ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे चार टर्म्स दे रखे हैं। तो समेशन ए केवल लिख दिया है, और क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी डी आर समथिंग, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी टर्म हैं आपके पास आप इसी टाइप से लिखिए, यानी ए लिखिए, फिर बी लिखिए, फिर सी लिखिए, पर डी लिखिए, ठीक है। और अगर यहां पर ई भी लिखा होता तो आप ई तक लिखिए, क्लियर है। तो अगर तीन यहां पे लिखे होते तो क्या हो जाता, समेशन ए का मीनिंग ए प्लस बी प्लस सी हो जाता, ठीक है। और मान लीजिए अगर ए बी लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग है, तो आप क्या करेंगे, ए बी लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, फिर आप देखिए कैसे लिखेंगे। हम लोगों ने क्या किया था, पहले ए को ए लिखा, फिर ए की जगह बी रख दिया, और फिर बी की जगह सी लिख दिया। वैसे ही पहले तो ए की जगह ए रख दिया और बी की जगह बी रख दिया। आपको साइक्लिक नोटेशन में लिखना है। साइक्लिक नोटेशन का मतलब क्या है कि ए की जगह बी रखिए और बी की जगह सी रखिए और सी की जगह फिर ए रख दीजिए अगर कहीं आए तो, ठीक है। और सब टर्म होने चाहिए, मतलब जिस तरीके से ए यूज हुआ है तो उसी टाइप से ए बी सी तीनों देखे आए सिमेट्री में, ऐसा नहीं कि ए प्लस बी केवल लिख दिया, समझ रहे हैं। तो अब बताइए ए के बाद क्या आएगा, बी लिखिए, तो बी के बाद क्या लिखना चाहिए, सी, ठीक है। अब देखिए बी के बाद क्या लिखेंगे, सी, और यहाँ सी है, सी के बाद ए। अब क्या और कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज सी के बाद अब ए नहीं लिखेंगे, दोबारा से नहीं लिखेंगे, एक बार हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अपने आप डी लिख दीजिए, देखिए कि वहां पे टर्म्स कितने डिफाइंड है, उसके हिसाब से आपको ये समेशन का लिखना होगा, क्लियर है। तो देख लीजिए सब बिल्कुल सिमेट्री है, अगर ए बी है, बी सी है, सी ए, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया। ये नहीं कि मुझे ए के बाद बी लिखना, लेकिन सी के बाद क्या लिखेंगे आप, एक साइकिल तो कंप्लीट हो गई ना, तो एक ही साइकिल हम लोग यहां पर लिखेंगे। एक और चीज समझ लेते हैं, मान लीजिए ये लिखा है, तो अपने आप देखिए क्या होता है, ये समेशन ए माइनस बी का क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो ए माइनस बी लिख दीजिए, अब क्या करेंगे, ए की जगह बी लिख दीजिए, बी की जगह सी लिख दीजिए, बी की जगह सी लिख दीजिए, और इसकी जगह ए लिख दीजिए। अब यहां देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस बात का याद भी रखिए आप कि समेशन ए माइनस बी जो है दैट इज इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है ये, दिस इज इक्वल टू जीरो। एक और ऐसा ही आप समेशन ओपन करिए, समेशन ए इंटू बी माइनस सी, ओपन करिए इसको, तो क्या करेंगे, पहले तो जो टर्म दिया है उसी को लिख लीजिए, ए टाइम्स बी माइनस सी, और फिर ए की जगह क्या लिखेंगे, बी, और बी की जगह क्या लिखेंगे, सी, और सी की जगह क्या लिखेंगे, ए। ये क्या कर रहे हैं हम लोग बताइए, ये हम लोग साइक्लिक नोटेशन में लिख रहे हैं, और बी के बाद आप क्या कर रहे हैं, सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी। अब देखिए क्या हो रहा है, सॉल्व कर लीजिए इसको, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, ए बी है प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देख लीजिए कट तो नहीं रहा है, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से माइनस बी सी कट गया, ए सी से माइनस ए सी, ये भी जीरो आ गया। तो ये सारी चीजें याद रखिए आपकी, समेशन ए माइनस बी जीरो होता है, समेशन ए इंटू बी माइनस सी नोट कर लिया होगा आपने, ये क्या होता है, ये भी जीरो होता है। तो ये कहीं पर भी आपको ऐसा दिख जाए तो आप डायरेक्टली इसको जीरो लिख दीजिए, ठीक है। अब एक और एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग, ए इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर दिया हो तो देखिए इसको भी ओपन करके कि क्या लिखेंगे आप, तो ए
इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहला टर्म तो ऐसे ही लिखते हैं। अब ए को किससे रिप्लेस करना है, बी को, और बी को किससे करना है, सी स्क्वायर, सी को किससे, ए स्क्वायर प्लस यहां पर सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन करिए, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस सी टाइम्स बी स्क्वायर। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, अब कि नहीं कटेगा, बिकॉज सिमेट्री नहीं है यहाँ, ए बी स्क्वायर, लेकिन बी स्क्वायर वाला तो कोई टर्म नहीं आया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर समय कट ही कर देंगे। अगर यहाँ ए स्क्वायर दिया गया होता तब ये जीरो होता, ठीक है। तो जो आए वो आप उसे ओपन करके लिख दीजिए, क्लियर है। ये दो बातें आप बहुत अच्छे से याद रखिए, समेशन ए माइनस बी और समेशन ए टाइम्स बी माइनस सी जो होता है वो जीरो होता है। एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं हम लोग, समेशन ए प्लस बी का क्या मीनिंग है। आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आ गई हो कि इस समेशन का मतलब क्या है, सिग्मा का क्या मीनिंग है होता है। ए प्लस बी, अब ए की जगह बी, बी की जगह सी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, ठीक है। तो टू टाइम्स ए, टू टाइम्स बी, टू टाइम्स सी, तो टू टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते बताइए, समेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू टू टाइम्स समेशन ए, क्लियर। चलिए अब और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। तो जैसे मान लीजिए समेशन एफ आर लिखा हुआ है और आर इज इक्वल टू वन टू एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है आर में अभी जो किया था हम लोगों ने एफ वन प्लस एफ टू और ऐसे 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 करके एफ एन हो गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के अंदर एफ आर प्लस जी आर लिखा हूँ और आर इज इक्वल टू वन टू एन लिखा हूँ, तो इसका क्या मीनिंग है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते का मतलब क्या, आप इसे अलग अलग एफ आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन लिख सकते हैं और जी आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन लिख सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर ए है, ठीक है। यानी कि समेशन अगर पूरे के साथ ये समेशन अगर दिया गया हो तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बी प्रॉपर्टी देखिए, अगर समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन है और आर वेरिएबल है, यहां से पता चलता है हमको क्योंकि आर की ही वैल्यू है जो चेंज हो रही है। अब जैसे यहां पर देखिए के टाइम्स एफ आर, तो अब आप इसको समझिए कि इसका क्या मीनिंग है। तो k टाइम्स f1 प्लस k टाइम्स f2, क्या आएगा यहाँ पर, k टाइम्स f2 प्लस k टाइम्स f3, ऐसे करते हुए k टाइम्स fn, क्या होगा यहाँ पर, k टाइम्स f1 प्लस k टाइम्स, अब देखिए इसमें से आप k कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 और fn, वो क्या दिया गया है, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n fr, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ गया आप, अगर केवल k दिया गया हो समेशन में तो उसका क्या मीनिंग है, r इज इक्वल टू 1 टू n समेशन k, तो इसका क्या मीनिंग है। अब मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूं जिससे कि आप ये बात थोड़ा समझ सके कि इसका क्या मीनिंग है। अब देखिए इसका मीनिंग ये है, दिस इज सी प्रॉपर्टी, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन के ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन के यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, तो आप चाहें तो कॉन्स्टेंट को बाहर भी ले सकते हैं, ऐसे अभी बताया गया बाहर ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए कुछ नहीं बचा, वन बचा है इस, अब ये वन जो है हमारा ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
है क्या यहाँ पर आर, तो आर हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन समेशन का क्या क्या काम है, समेशन का काम है कि ये एन टर्म्स तो ऐड करेगा ही करेगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा ये उसको एन बार ऐड करेगा। अगर आर होगा तो आर की वैल्यू को रख के उसको ऐड करेगा, अगर आर नहीं है तो फिर उसे वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, तो क्या करिए आप, के टाइम्स, अब इसमें ये समेशन वन चल जाएगा, तो ये पहली बार जाएगा ये समेशन देखेगा कि वन, फिर अगली बार जाएगा आर इक्वल टू टू रखने मिलेगा नहीं, फिर ये कहेगा नहीं मिला, वन लिख दिया, फिर वन, और ऐसे ऐसे ये वन कितने बार लिखेगा, एन बार, वन टू, मान लीजिए टू होता टू टर्म, थ्री आ लिखा होता कितने टर्म होते थ्री, इस तरीके से कितने बार लिखेगा इसे, वन टू थ्री फोर, एन टर्म्स हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू एन के। तो याद रखिए आप कि समेशन आर इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू के एन, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। क्लियर है बात, समझ गए इसको। अब देखिए अब डी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डी प्रॉपर्टी क्या है, समेशन आर इज इक्वल टू वन, के प्लस एफ आर लिखा हो तो क्या करेंगे, तो ऐसा नहीं लिख देंगे के प्लस समेशन एफ आर, ये रॉन्ग हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस समेशन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको यहां पर भी समेशन लिखना है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टाइम के प्लस समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एफ आर। ठीक, क्लियर है बात। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। इजी है, अगर आप समझते हैं तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ई। मान लीजिए दिया गया समेशन एफ आर इंटू जी आर, ठीक है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, समेशन एफ आर इंटू समेशन जी आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन, और आर इज इक्वल टू वन टू एन, क्या ये बराबर है, ये हमें समझना है कि बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो दो ही टर्म यहाँ पे लेके इस बात को हम लोग चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं, देखते हैं। तो ये हो गया एफ वन, वन रखेंगे तो ये हो गया जी वन, फिर हमने टू रख दिया तो दिस इज एफ टू एंड दिस इज जी टू। ठीक है, यहाँ रखिए, यहाँ आएगा आपका एफ वन प्लस एफ टू, ठीक है, और इधर क्या आएगा जी वन प्लस जी टू। अब आप बताइए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वन जी वन, और एक और एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है एफ वन जी टू, फिर एफ टू जी वन और एफ टू जी टू, तो ये टर्म तो आए लेकिन इनके साथ कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी आ गए, और ये क्या सेम होगा, दिस इज नॉट सेम, सो ये सेम नहीं होता है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी गलती से ऐसा मत करिए। ठीक है, जैसे ही आप समझने लगेंगे इन चीजों को तो आप ऐसा कभी करेंगे भी नहीं। ठीक है, अब एफ प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, एफ प्रॉपर्टी, अब एफ प्रॉपर्टी देखिए, ए टू बी एफ आर, अब पहले अगर ए टू बी है और एफ आर है तो इसको बताइए कि इसका क्या मीनिंग है, ए से बी कैसे चला जाएगा कोई चीज, तो कुछ नहीं है, ए भी कोई नेचुरल नंबर है और बी भी कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए, पहला टर्म क्या होगा एफ ए, गुड, सेकेंड टर्म बताइए क्या लिख दूं, एफ बी, सही है एफ बी, रॉन्ग है एफ बी, क्यों रॉन्ग है, बिकॉज नेचुरल नंबर ए से शुरुआत हुई है, तो अगला नेचुरल नंबर, अगर अगला नेचुरल नंबर बी होता हो तब तो लिख सकते हैं, लेकिन अगला नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा, जैसे टू है तो अगला नेचुरल नंबर क्या होगा थ्री, फोर है तो अगला नेचुरल नंबर फाइव, वन ऐड करते हैं उसमें, तो यानी कि इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस वन, फिर क्या लिखेंगे
f ऑफ a प्लस टू। अब कब तक ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे डॉट डॉट लगा दिया तो f भी लास्ट में। अब मान लीजिए ये नेचुरल नंबर 5 है, तो इसके पहले वाला नेचुरल नंबर क्या होगा, 4, यानी 5 माइनस 1। तो इस तरीके से सोचना हमें स्टार्ट करना होगा, ठीक है? समझ में आ रही बात? एफ ए, एफ ए प्लस वन, एफ ए प्लस टू, एफ बी माइनस वन प्लस एफ बी। तो ये इसकी मीनिंग है, समझ गया इसकी मीनिंग। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसी को एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है? तो बताइए कि इसका क्या मीनिंग है, आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग। अब देखिए कोई भी सम अगर लिखा हो तो सोचिए इस बात को कि उसे दो तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग होता है, ए प्लस बी प्लस लिखा है अगर तो उसको हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस ए, तो वहां से ये प्रॉपर्टी आई है। इसका मतलब कि अगर मुझे 1 + 2 + 3 लिखना है तो मैं चाहे ऐसे लिखूं या मैं ऐसे लिखूं उल्टा करके उसको 3 + 2 + 1। तो कभी भी अगर समेशन की प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से टर्म वाइज लिखी गई है तो इसका मीनिंग है कि हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे उल्टा लिखा जाएगा, ये टर्म मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये था एफ आर, ये समेशन एफ आर है ए टू बी। ये तो समझ गए आप, नहीं समझे तो समझिए पहला टर्म, फिर उसमें एक एक, क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्या था यहाँ पर देखें, सेट नेचुरल नंबर का होना चाहिए। तो ए पहला है अगर तो ए प्लस वन दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे करते हुए ये लास्ट है, तो लास्ट से पहले वाला कैसे बी माइनस वन, क्योंकि ए क्या है, ए तो केवल हमें बता रहा है, एक सिंबल है किसी नेचुरल नंबर का। अब ए के टर्म्स में यहाँ बी के पहले क्या होगा ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है? समझ गए? अब देखिए उल्टा लिख दीजिए आप इसको और फिर देखेंगे इसे क्या बोलेंगे उधर, एफ बी प्लस एफ बी माइनस वन, तो एक एक कम करेंगे ना, एफ बी माइनस टू। अब बताइए जब उल्टा लिखेंगे तो क्या आ रहा है, एफ ए प्लस वन और आखिरी में क्या आएगा, एफ ए। अब कोई तरीका आप सोच पा रहे हैं कि कैसे आप जो है एफ बी लिखें? तो ऑब्वियसली जो लिखा होगा यही होना चाहिए, इसको देखते हैं। तो अगर पहला टर्म यहाँ पे लिखा जाएगा, आर को क्या लिखे, सबसे पहला टर्म क्या है ए, तो यहाँ रखिए आप ए प्लस बी माइनस ए, तो ए से ए कट गया और क्या मिला आपको, एफ बी। अब अगला क्या टर्म होगा, ए प्लस वन, तो लिखिए ए प्लस बी माइनस ए प्लस वन, तो देखिए ए माइनस ए बी माइनस वन हो गया। अगली बार यहाँ ऐसे ए हमेशा कटता जाएगा और क्या आ रहा है, बी माइनस टू। समझ में आगे बात? और आखिरी टर्म जब बी रखेंगे यहाँ पर तो बी से बी कट जाएगा और एफ ए आ जाएगा। तो समझ गए आप, एफ सीरीज दिस इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर, इसको जरा आप याद कर लीजिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद करना होगा, ठीक है? और इसको आप क्लास ट्वेल्थ में भी देखेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल की, वहाँ पर भी यहाँ पे केवल इंटीग्रेशन लग जाएगा, ये ऐसा कुछ जो लोग ट्वेल्थ में हैं। एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब ये सम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ी गई है, ठीक है? और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर है, एक्स क्या है, जैसे आर है वैसे यहाँ पर एक्स है, और ये डी एक्स है, वो आप समझेंगे आगे चल के, लेकिन ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बताया जा रहा है अगर आप इलेवेंथ में हैं तो आप समझ लीजिए कि इसको याद कर लेंगे तो ट्वेल्थ की भी एक चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बेसिस पे थोड़े से हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी देखी है उन प्रॉपर्टी का यूज करके
ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी दैट वाज कि समेशन एफ आर ए टू बी अगर लिखा है तो दैट विल बी यही रखना है, लेकिन यहाँ पर जहाँ भी आर है वहाँ प्लस आपको ए प्लस बी माइनस आर कर देना, ठीक है। तो अगर पहले में हम लोग ये प्रॉपर्टी करें तो ये समेशन तो ऐसा होता है, तो इसको ऐसे ही रखिए आप, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो, इसको तो ऐसे यहीं लिख देते हैं और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो कुछ चेंज तो होता नहीं बिकॉज बोथ आर इक्वल, अभी देखा हम लोगों ने। तो इन दोनों को ए प्लस बी यानी जीरो प्लस सिक्स माइनस आर, तो क्या हो जाएगा सिक्स माइनस आर की पावर एन, और यानी आर को किससे रिप्लेस करना है सिक्स माइनस आर की पावर एन, समेशन लगा रहेगा आर इज इक्वल टू जीरो टू सिक्स, और नीचे देखिए यहाँ पर सिक्स माइनस आर, तो आर को किससे रिप्लेस करना है सिक्स माइनस आर, सिक्स माइनस आर की पावर एन, अब अंदर माइनस भेजिए तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स प्लस, देखिए कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा आर की पावर एन, तो डिनोमिनेटर देखिए सेम है, यानी इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इजीली ये ऐड हो जाएंगे, इसलिए ऐड कर देते हैं अपना प्रॉब्लम जो एस के इक्वल हम लोगों ने लिखा और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो आया, दोनों को ऐड क्यों किया बिकॉज डिनोमिनेटर वॉज सेम, तो इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप आर इज इक्वल टू वन टू सिक्स, this will become r की पावर n plus 6 minus r की पावर n, और डिनोमिनेटर में भी देखिए r की पावर n plus 6 minus r की पावर n, अब ये देखिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन गए, तो ये हम लोगों को फायदा हो गया, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1, तो 2s इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू 6 समेशन 1, और ये कितने टर्म है बताइए, 6 नहीं लिखना है रॉन्ग हो जाएगा, 6 नहीं है, 1 से 6 होता तो 6 होते, 0 से स्टार्टिंग है, तो ध्यान रखें दिस विल बी 7, तो s की वैल्यू क्या आ गई 7/2, ठीक है, क्लियर है बात। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, और तो आज की ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट के रूल्स देखेंगे और फिर एपी स्टार्ट करेंगे, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ देखिए साइन आर एक्स कॉस एन माइनस आर एक्स, तो जब भी आपको साइन कॉस दिखे समेशन में तो आप समझ जाइए कि कोई जो भी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं वो लग जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि प्रॉपर्टी कैसे लगे, अगर यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी n माइनस आर बन जाए तब काम चल जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर r बराबर जीरो दिया गया है और यहाँ है n माइनस वन, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन माइनस आर, ये आएगा इससे क्या ये बनेगा नहीं, तो रॉन्ग हो रहा है, यानी कि हम इस समेशन को कुछ ऐसे लिख दें, अगर 1 से लिखेंगे तो बन जाएगा, इसलिए इसको लिखें 1 और n माइनस 1, ठीक है। तो साइन आर एक्स एन कॉस एन माइनस आर इंटू एक्स, और यहाँ पर ये टर्म जो हम लोगों ने छोड़ दिया है r इज इक्वल टू 0 वाला, उसको 0 रख के लिख लीजिए, तो r जो देखिए 0 रखे तो क्या हुआ साइन 0 हो गया है, कुछ भी हो अब ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही है सेम है, समझे कि नहीं आप, क्या हो गया आप, हमें तो बहुत फायदा यहाँ पे मिल गया, जब पहले टर्म को आप यहाँ आर को जीरो रख रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन जीरो एंड दिस विल बिकम कॉस एन एक्स, पर साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, व्हेन यू मल्टीप्लाई बोथ दिस टर्म इट विल बिकम जीरो एंड हेंस आवर इक्वेशन विल बिकम फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1। अब आप देखिए ये जो भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी उसको यहाँ पर यूज करिए, तो अब यूज कर लेते हैं, तो ये तो एस लिख दिया, अब इसी एस को दूसरी तरीके से लिखते हैं, तो साइन आर की जगह
वन प्लस एन माइनस वन माइनस आर, तो वन से वन कैंसिल, तो देखिए ये सेम बन गया साइन एन माइनस आर है। अब लेकिन यहां भी देखना पड़ेगा कि बन रहा है कि नहीं, आर की जगह यानी एन माइनस आर रखना है, तो बन जाएगा एन माइनस एन प्लस आर आ गया। देखिए तो यहां रख रहे हैं आप, तो कॉस आर एक्स क्या किया, आर की जगह एन माइनस आर एन माइनस आर रखिए, एन माइनस आर देखिए कैंसिल हो, एन माइनस आर है यहाँ पर एन माइनस आर, वहां रखिए एन माइनस आर, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों ही एक्सप्रेशंस को ऐड कर लेंगे, तो एस प्लस एस टू एस किसको ऐड कर लिया, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन मीन्स दिस एंड दिस मीन्स दिस, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो समेशन बाहर कर लीजिए, एडिशन में समेशन बाहर कर सकते हैं हम लोग, एन माइनस वन, तो देखिए क्या हो गया, साइन आर एक्स कॉस एन माइनस आर एक्स प्लस साइन एन माइनस आर एक्स इंटू कॉस आर एक्स, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो 2s इज इक्वल टू साइन, समेशन रखिए, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, r इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा भाई, आर एक्स प्लस एन माइनस आर इंटू एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए एन एक्स माइनस आर एक्स, एन एक्स माइनस आर एक्स, तो आर एक्स कैंसिल, तो दिस हैज बिकम टू एस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन इंटू साइन एन एक्स। अब देखिए, अब इसका क्या हुआ, ये आर पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कांस्टेंट हो गया, तो दिस विल कम आउट, यानी कि साइन एन एक्स हमारा बाहर आ गया, एंड दिस इज समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन और वन। इसका समेशन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उतना होता है, तो वन से एन माइनस वन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इधर लिख देते हैं टू एस एंड साइन एक्स एन एक्स इंटू एन माइनस वन, हेंस एस इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू इंटू साइन एन एक्स, ये आ गया देखिए। ठीक है, तो समेशन की प्रॉपर्टी हम लोगों ने आज देखी और समझा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रोडक्ट मतलब ऐसा साइन, ठीक है, ये पाई जिसको बोलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और एपी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।